अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं कासिम शमशी और आप देख रहे हैं क्यूएस ट्यूटोरियल्स। तो आज आपने देखा है कि हमारा जो टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी थंबनेल पे लिख दिया है। हम आज फॉन्ट के मुताबिक सर्च करेंगे, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और उसको हम देखेंगे कि किस तरह आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना जो फॉन्ट है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। फॉन्ट फॉन्ट हम लगाए रहते हैं लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो हम आज ये भी सीख लेंगे कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट और इससे पूछते हैं कि ये इसको किस तरह प्रोनाउंस करता है। फॉन्ट आपने सुना है कि ये इसको किस तरह प्रोनाउंस कर रहा है, तो ये है फॉन्ट। हम फॉन्ट फॉन्ट लगाए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम देखेंगे कि फॉन्ट को फाइंड कैसे करते हैं। मेरे पास एक रैंडमली एक फॉन्ट पड़ा है जिसको मैं आपका फाइंड करके दिखाऊंगा और इसको डाउनलोड भी करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, अभी हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है फॉन्ट फाइंडर। तो लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ये सबसे आला और बेहतरीन वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप किसी भी फॉन्ट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस ऐड को काटना है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप टाइप या पेस्ट कर सकते हैं अपने इमेज का यूआरएल, लेकिन हमारे पास यूआरएल नहीं है इसलिए हम इमेज को यहाँ से अपलोड करेंगे जो हमारी ऑलरेडी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं छोटा सा लिखा हुआ आइडेंटिटी फॉन्ट। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉन्ट जितना इसका सिमिलर होगा या जितना इसका ओरिजिनल होगा देख सकते हैं आप, आपके सामने आ चुका है। लेकिन इसकी प्राइस है $20, ये $20 का बेच रहे हैं ये फॉन्ट। हमने इसको फ्री में डाउनलोड करना है। कैसे करना है, इसका नाम कॉपी कर लेना है, हमने दोबारा गूगल पे जाना है। इसके दो तीन तरीके हैं इसको फाइंड करने के, ठीक है, लेकिन मैं इसको सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। वो क्या है, वो ये है कि आपने इस नाम को लिखना है, उसके बाद डॉट दे के आपने TFF लिख देना है और इंटर प्रेस करना है। ये इसकी ओरिजिनल फाइल जो है जिस जगह पे जिस वेबसाइट पे पड़ी होगी वो आपको शो करवा देगा। आपने सबसे पहले वाला लिंक ओपन करना है और वहाँ पे जाके आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है जी। तो ये आपको फॉन्ट यहाँ पे मिल गया, अब इसको डाउनलोड लिंक देखना है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। डाउनलोड पे क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करें, अभी ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ये हो गया इंस्टॉल, अब हम चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। इसको हम टेस्ट करेंगे अडोबी इलस्ट्रेटर में और वहाँ पे क्योंकि हमें ढूंढने में टाइम लगेगा तो इसको रीनेम करके इसका जो पहला नाम है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने अडोबी इलस्ट्रेटर में। वहाँ पे जाके हम रैंडमली कुछ भी लिखते हैं, मेरा नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम कासिम, क्योंकि ये जो सिलेक्ट है ये ब्लैक है इसलिए हम इसको वाइट सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब हम उस फॉन्ट को जो है सिलेक्ट करते हैं
टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि वो फॉन्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो भी फॉन्ट पसंद है वो आप जाके इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे भी अच्छे अच्छे जो फॉन्ट्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने लोगों को थोड़ा सा इस फॉन्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। ट्यूटोरियल्स, QS ट्यूटोरियल्स, थोड़ा छोटा करके इसके नीचे लिख देते हैं। अब मैं दोबारा आपको वो जो जिस नाम को देख के हमने इसको डाउनलोड किया था वो भी मैं आपको इसके सामने लिख के दिखाता हूँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि ये सेम ही फॉन्ट है जो हमने $20 वाला हमने फ्री में डाउनलोड किया है और बहुत ही आसानी से किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉन्ट जो है बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे बेस्ट फॉन्ट वेबसाइट है वो मैं कौन सी यूज़ करता हूँ। डा फॉन्ट आप टाइप करेंगे गूगल पे और आपके सामने आ जाएगी एक वेबसाइट जिस पे मिलियंस में फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। आप अपने पोस्ट के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ सन्स सेरिफ वाली फॉन्ट जो है मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लोगोज़ वगैरह में यूज़ करता हूँ और पोस्ट वगैरह में यूज़ करता हूँ। कैलीग्राफी के भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये काफ़ी कारामद भी साबित होगी। तो आज की वीडियो का इख्तिताम होता है यहीं पे। मुझे दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।